भाई अभी मैं कुछ दिन पहले टीए आर्मी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की जो भर्ती आई हुई थी तो उसके बारे में मैं बताया था, तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई भर्ती फेक है। तो देखे यार भाई, ये भर्ती फेक नहीं है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पूरा देखना, ऑल इंडिया के लिए भर्ती है। आप लोग भारत में किसी भी राज्य से हो, सभी लोगों के लिए ये भर्ती आई हुई है। और पता है आप लोग किस बात से कन्फ्यूजन थे, जैसे इसमें है ना कि पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा और टी आर्मी की जो भर्ती है वो ऑनलाइन भर्ती कभी नहीं होती है। इसी बात को लेकर सभी लोग कन्फ्यूजन में आए, मतलब सोच रहे हैं कि टी आर्मी की जो भर्ती है वो तो ऑनलाइन होती ही नहीं है, वो तो ऑफलाइन होती है। वैसे मतलब जोन वाइज जाता है और जहाँ पर आता है वहाँ पर जाकर हम लोग टी आर्मी की भर्ती देख लेते हैं, दौड़ लेते हैं, सबसे पहले दौड़ होता है। तो देखो यार भाई, इस बात से आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहो, ठीक है ना। ये जो टी आर्मी की भर्ती आई है, अभी मैं अभी लाइव आप लोगों को सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। ये जो टी आर्मी की भर्ती आई हुई है ना, ये ऑफिसर की भर्ती है और कौन कौन से लोग जा सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई। ऑल इंडिया में आप कहीं भी हो, किसी भी राज्य से हो, सभी लोग जा सकते हो और ऑनलाइन भर्ती होगा। जैसे 18 से 42 साल तक होता है ना जोन वाइज जो भर्ती होती है, तो उसी तरह इसमें भी है, लेकिन इसमें सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन कराना पड़ेगा। और पता है कब से कब तक, अभी 20 जुलाई से 19 अगस्त तक आप लोग को ऑनलाइन कराना पड़ेगा। और इसमें जो एज है ना 18 से 42 साल तक, इसमें भी एज है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहो, ठीक है ना। ऑल इंडिया कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आप लोग जा सकते हो। फर्जी नहीं मानो, फेक नहीं मानो। अगर फेक मान रहे हो तो अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ लाइव दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई कैसे होगा इसका। ऑफिसर वाली तो कौन कौन से लोग जा सकते हैं मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखो यार भाई, कुछ भाई मतलब सोच रहे थे कि ये फर्जी है, इससे जो टी आर्मी की भर्ती आई टेरिटोरियल आर्मी की ऑल इंडिया के लिए मेल और फीमेल के लिए, तो ये भर्ती फर्जी आई हुई है। तो देखो यार भाई, मैं फर्जी आप लोगों को क्यों बताऊँगा यार, अभी आप लोगों को मैं सारा कुछ दिखा दे रहा हूँ, ये कोई फर्जी नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ ऑन जॉब अभी ऊपर, और सब कुछ आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडियन नेवी MR ऑनलाइन हो रही है। आप लोग को तो सभी लोगों को पता है कि ये इंडियन नेवी की भर्ती ऑल इंडिया के लिए आई हुई है 10 पास से। तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये SSC GT की आई अभी दिखा रहा है, ये मतलब ये भी भर्ती आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, सारा भर्ती आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेरिटोरियल आर्मी TA ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो कितने मतलब कौन कौन से लोग जा सकते हैं सारा कुछ आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। और ये जो भर्ती है ना, कोई भर्ती फेक नहीं है, ठीक है ना, ये रियल भर्ती है और सही भर्ती है, ये भर्ती कराई जाएगी। जिन जिन भाइयों को कराना है जाकर करा लो, नहीं तो फिर बाद में आप लोग पछताओगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई कब से कब तक ऑनलाइन होगा। अभी इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था सब कुछ, क्लियर बता दिया था। तो कुछ भाई बोले थे कि मतलब ये फर्जी है, लेकिन देखो यार भाई फर्जी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम टेरिटोरियल आर्मी, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिसर, ऑफिसर की भर्ती है, पहले बता दे रहा हूँ भाई। जॉब लोकेशन जो है ना ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के लोग इसमें करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं। और देखो हमें भी पता है, आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, टी आर्मी की जो भर्ती है ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन भर्ती होती है। लेकिन मैं इसलिए बता, ये जो ऑफिसर की भर्ती है ये ऑनलाइन भर्ती होगी, तो आप लोग करा लेना, ठीक है ना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। क्वालिफिकेशन जो है ना, एनी डिग्री, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई, आप लोगों को एजुकेशन जो है ना, जैसे एजुकेशन जो मांगा है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो जो भाई ग्रेजुएशन किए हो आप लोग जाकर करा लेना, 20 तारीख से शुरू है, 20 जुलाई से शुरू है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट 19 अगस्त तक है, तो 19 अगस्त तक इसका ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। और पैसा 200 रुपया लगेगा, 200 रुपया फीस लगेगा ऑनलाइन का। तो जाकर आप लोग करा लेना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्ट डेट 20 जुलाई और लास्ट डेट 19 अगस्त। तो अभी टीए ऑफिसर मतलब डेट पहले पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, तो 26 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और मैं नीचे एप्लीकेशन फ़ीस बता दे रहा हूँ, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है ऑल इंडिया के लिए। जो जो भाई ग्रेजुएशन की हो जाकर आप लोग करा लेना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ जाएगा। मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया हूँ, सब कुछ लाइव दिखा दिया हूँ। आप लोग ऑल इंडिया में, पूरे भारत में, किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। जो जो भाई ग्रेजुएशन किए हो ऑल इंडिया में, कहीं से भी हो यार, इसमें आप लोग जाकर ऑनलाइन करा लेना। हो अभी 20 जुलाई से 19 अगस्त तक ऑनलाइन होगा ग्रेजुएशन, जो जो भाई किए रहेंगे वो लोग ऑनलाइन करा लेना। अभी हाई स्कूल से रहता, 10 से रहता ना, तो मैं खुद कराता और बहुत सारे भाई कराते, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो जितने भी भाई ग्रेजुएशन किए रहेंगे आप लोग जाकर पूरी जानकारी ले लेना, ठीक है ना, पूरी जानकारी लेकर सब कुछ करा लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर सर्च मार लेना TA आर्मी ऑफिसर भर्ती 2021, तो सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा कैसे ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। बहुत लोग बताए हैं। और देखो यार भाई, मैं आप लोग को तो दिखाई दिया हूँ, और अभी एक बात और है, अभी जैसे जोन वाइज जो भर्ती होती है ना TA का, टेरिटोरियल आर्मी का, तो जैसे आएगा यार मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी देखो
पीए का नोटिफिकेशन निकला था तो मैं आप लोगों को दिखाया ही था, 5 सितंबर से सब भर्ती दिखा रहा था, तो वो तो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाया था। अभी वो कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं इस तरह नहीं बोल रहा कि भाई 100% सही है। जैसे न्यूज़पेपर में निकलेगा ना, बस मिस नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। जैसे टी आर्मी का भर्ती निकलेगा आप लोगों को पता चल जाएगा, मिस नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग,